कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेश आय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर दिन की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूं लेकर दैनिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे आपके आज के दिन के बारे में। दिन है बुधवार, बुधदेव का दिन है, बहुत खास रहेगा आपके लिए दिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो शाम को 3:35 तक रहेगा। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। राहुकाल यानी अशुभ समय की बात की जाए तो दोपहर 12:31 से जो है शाम के 2 तक राहुकाल चलेगा। दिशा शुभ आज उत्तर दिशा में है, तो यदि आप इस दिशा में यात्रा करने जा रहे हैं तो इससे बचना है और कोई भी शुभ कार्य इस दिशा की तरफ आपको मुख रखकर नहीं करना है। यह जानकारी थी पंचांग से जुड़ी हुई। अब बारी है आपके राशिफल की, लेकिन उससे पहले शुरुआत करें, आपको बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो हमारे वेबसाइट www.astrotej.com पर जा सकते हैं और वहां से अपनी राशिफल चंद्र राशि पता कर सकते हैं। जिन लोगों या फिर आप हमारे मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगहों से आप अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको ज्योतिष से जुड़ी छोटी से बड़ी हर जानकारी और वो भी विस्तार से। आपको हर दिन का लेखा जोखा हम अपने इस वीडियो में बताते हैं, किस तरीके से दिन को प्लान करना है, बेहतर बनाना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती है। तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि हर दिन आपको हमारे चैनल पर विजिट न करना पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। चंद्र राशि पर आधारित है, तो सबसे पहले बात करेंगे पहली राशि चक्र की। पहली राशि जो है मेष की, एरीज की। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, इसीलिए चलते फिरते समय खासा ख्याल रखने की जरूरत है। आपका कोई पुराना मित्र आज कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए आपको सलाह दे सकता है, अगर इस सलाह पर आप अमल करते हैं तो आपको धन लाभ जरूर होगा, यानी पैसे आज आपके पास आ सकते हैं। आप दूसरों की सलाह पर ध्यान देते हो। विदेश में रह रहे किसी संबंधी से मिला कोई उपहार आपको खुशी दे सकता है। अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की संभावना है। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफी सराहना मिलेगी और इसके चलते अचानक लाभ मिलने की भी संभावना है। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाएं, लेकिन ऐसे मामलों में पड़ने से बचें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। जो लोग यह समझते हैं कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए है, गलत है, क्योंकि आज आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। उपाय की बात करें तो आज सोते समय एक तांबे के पात्र में जल रखें और अगली सुबह घर के पास वाले पेड़ में उस की जड़ में उस जल को डाल दें। शुभ अंक 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5/3 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि की। आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। आप पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। तो सबको अपनी महफिल में आज दावत दें, क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। माथतों और सहकर्मियों का रुख बहुत मददगार रहेगा। अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की जरूरत है। अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत के लिए आज काफी टाइम मिलेगा, लेकिन सेहत गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा अपनी सेहत पर आपको ध्यान देना है। उपाय के तौर पर लाल चंदन जो है स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा डाल दें। शुभ अंक 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5/3 स्टार। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि। दोस्तों का रुख सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। अपने धन का संचय कैसे करना है यह हुनर आज आप सीख सकते हैं, और इस हुनर को सीखकर आप अपना धन बचा सकते हैं। आपको अपने घर के माहौल में कुछ पॉजिटिव बदलाव करने पड़ेंगे। अपने रोमांटिक ख्यालों को हर किसी को बताने से बचें, नहीं तो लोग जो है आपको उसे अकॉर्डिंग जज करने लगेंगे। दूसरे आपसे काफी ज्यादा समय की आज मांग कर सकते हैं। उनसे किसी भी तरह का वादा करने से पहले आप यह देख लें कि आपका काम जो है उससे प्रभावित ना हो, और साथ ही वे आपकी उदारता और सहृदयता का गलत फायदा ना उठाएं। जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी जो है खासियत आपको सम्मान दिलाएगी। किसी के प्रभाव में आकर आपका जीवन साथी आज आपसे झगड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुलझ भी जाएगा। उपाय के तौर पर आज के दिन मछलियों को दाना डालें। शुभ अंक 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5/3। अब बारी है कर्क राशि की। किसी दोस्त के साथ गलतफहमी अप्रिय हालात खड़ी कर सकती है।
किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नजरिए से दोनों पक्षों की जांच कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है आप गलत जल्दबाजी में या आप जो है पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से गलत डिसीजन ले पाए और इसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। ग्लानी और पछतावे में वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि जिंदगी से सीखने की कोशिश करें। प्रेम भगवान की पूजा की तरह पवित्र है, यह आपको सच्चे अर्थों में धर्म और आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है। नौकरों और सहकर्मियों से परेशानी होने की संभावना को आज खारिज नहीं किया जा सकता। दिन के अंत में आज आप अपने घर के लोगों को वक्त देना चाहेंगे, लेकिन इस दौरान घर के किसी करीबी के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है और आपका मूड जो है वो खराब हो सकता है। आज चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, आप अपने जीवन साथी की बाहों से दूर नहीं हो सकेंगे। उपाय की बात करें, ओम शनि शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी सिंह राशि की। प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को आज दोगुना कर देगा। आज किसी करीबी से आपका झगड़ा भी हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। आज आपकी कोई बुरी आदत आपके प्रेमी को बुरी लग सकती है और वो आपसे नाराज हो सकते हैं, तो कोशिश करें अपने आप जो है पता करें कि क्या वो चीज है जो आपकी सही नहीं है, जो किसी को बुरी लगती है, और अपनी उस कमियों पर तुरंत गौर फरमाएं, उस पर कार्य करना शुरू करें। कुछ सहकर्मी आज कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश होंगे, लेकिन यह वो आपको बताएंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि आप अपना काम जो है 100% दे रहे हैं, तो आपको सबको खुश रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब खुश हो ये मतलब ये हमेशा पॉसिबल भी नहीं होता। तो आप अपने 100% दे काम में ऑनेस्टी दिखाएं, बस आपको इतना करना चाहिए और सबसे तालमेल के साथ चलें। अगर आपको लगता है कि परिवार जो है परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे, तो किसी भी चीज में अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण करके उसमें सुधार लाना बेहतर रहेगा आज के दिन। अगर आप उसी पुराने ढर्रे पर ही चलते रहेंगे और आपको फायदा भी नहीं पहुंच रहा है, तो काम करके फायदा नहीं है, आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए विश्लेषण करना सीखे, जो भी चीज कर रहे हैं उसको एक बार बैठ के सोचे कि उससे क्या परिणाम आएगा, किस तरीके से उसको और अच्छे से किया जाना चाहिए। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। आप और आपका हमदम एक दूसरे से आज एक दूसरे की खूबसूरत भावनाओं का इजहार कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो आज केले के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी कन्या राशि की। जीवन साथी की सेहत को ठीक तरह से ध्यान दिए जाने की और देखभाल की जरूरत है। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। किसी ऐतिहासिक इमारत के आसपास सैर सपाटे की योजना बनाएं, इससे बच्चों और परिवार के सदस्यों की को जो है जरूरी ताजगी मिलेगी। रोमांटिक मुलाकात आपकी खुशी में तड़के का आज काम करेगी। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसीलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों को झट से दबोचें। छात्र छात्राओं को आज अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। आपको जब भी खाली समय मिले आप अपने काम को पूरा कर लें, ऐसा करना आपके लिए हितकारी है। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें करने का सही समय है। उपाय चलिए जानते हैं। उपाय के तौर पर इस राशि के जातकों को आज के दिन के लिए सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए आपको। आज ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः इस मंत्र का आप जाप करें, उच्चारण करें। शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी तुला राशि की। बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं। आप ऐसे स्रोत से आज धन अर्जित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा तक ना हो। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। आपके कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, ना कि लालच का जहर। अपने प्रिय के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा, बजाय इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने प्रिय को अपनी सच्चे जज्बात से परिचित कराना चाहिए। काम की अधिकता के बावजूद भी आज कार्य क्षेत्र में आप में ऊर्जा देखी जाएगी। आज आप दिए गए काम को तय वक्त से पहले ही पूरा कर सकते हैं। समय की नजाकत को देखते हुए आज आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण आप ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक रूप से चोट मिल सकती है, जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो आज किसी करीबी को सफेद रंग की कोई वस्तु गिफ्ट मिले। शुभ अंक 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार।
अब बारी वृश्चिक राशि की। धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। उधार मांगने वाले लोगों को आज नजरअंदाज करें क्योंकि इससे आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं आप। फैमिली लाइफ की बात करते हैं। परिवार के लोगों से अपनी परेशानियां साझा करके आज आप हल्का महसूस करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अहम को आगे रखकर घर वालों को जरूरी बातें नहीं बताते। परिवार के बीच में, अपनों के बीच में अहम की कोई जरूरत नहीं होती, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके परेशानी और भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। प्रेम जीवन की बात करें तो आज आप इश्क की चाशनी जिंदगी में घुलती हुई महसूस करेंगे। आप और आपका प्रेमी जो है एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे। भावनाएं आप लोगों के आदान प्रदान होंगी। अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करें, यानी कि हर चीज के लिए आपको आज थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा। किस चीज के लिए आपकी प्रायोरिटीज का है, क्या है आपका काम, क्या है पहले उसको आपको ध्यान देना है। इस राशि के जातक आज के दिन भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच में प्यार में जो है इजाफा होगा। बारिश को रोमांस से जुड़ा हुआ माना जाता है और आज आप अपने जीवन साथी के प्यार की बारिश महसूस कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो सलाह देना चाहेंगे कि सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल को दान कर दें। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरी और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। आपका तल्ख बर्ताव जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में तनाव डाल सकता है। कोई भी ऐसा काम करने से पहले इसके परिणामों के बारे में सोच ले। अगर मुमकिन हो तो अपना मूड बदलने के लिए कहीं और जाएं। आज यार दोस्तों के साथ पार्टी में आप खूब पैसा लुटा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। बच्चों की पढ़ाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय जो समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं वे क्षणिक हैं और समय के साथ वे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अपने प्रिय की छोटी मोटी भूल को अनदेखा करें। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचें जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौते का नाम है? और अगर हाँ तो आज आप हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि इस दिन को और कैसे बेहतरीन बनाएंगे, भैरव जी की पूजा करके। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी मकर राशि की। अकेलेपन और तन्हाई की भावना से बाहर आए और परिवार के साथ कुछ पल बिताएं। नया आर्थिक करार आज अंतिम रूप लेगा और पैसा आपकी तरफ आएगा। घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। आज आपके और आपके प्यार के बीच में कोई आ सकता है। वहीं दफ्तर में कोई आपकी योजनाओं में भी अड़ंगा लगा सकता है, इसीलिए आंखें खोल कर रखिए और अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति सजग रहिए। दीर्घावधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित हो। मुमकिन है कि काम वाली बाई की तरफ से परेशानी खड़ी हो जिससे आपके और आपके जीवन साथी को तनाव संभव है। उपाय के तौर पर आज अपने जो है आप गौशाला में दान करें। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि की। शाम के समय थोड़ा आराम कीजिए। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में भी शांति होगी। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाएं। नई शुरू की परियोजनाएं उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं देंगी। वहीं सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। जीवन साथी के साथ आज का दिन अच्छा गुजरने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो आज राशि के जातकों के जीवन में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। उपाय के तौर पर आज के दिन बुद्ध मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि वालों की। नफरत को दूर करने के लिए संवेदना का स्वभाव अपनाएं क्योंकि नफरत की आग बहुत ज्यादा ताकतवर है और मन के साथ शरीर पर भी बुरा असर डालती है। याद रखें कि बुराई अच्छाई से ज्यादा आकर्षक जरूर दिखाई देती है, लेकिन उसका असर खराब ही होता है। लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए निवेश करें। दोस्त और करीबी लोग मदद के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ाएंगे। आपको उदार और स्नेह से भरे प्यार का तोहफा भी आज मिल सकता है। आज आपकी कड़ी मेहनत कार्य क्षेत्र में जरूर रंग दिखाएगी। मीन राशि वाले जो हमारे जातक हैं, खाली वक्त का आज सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों में पूरे नहीं हो पाए थे। मैरिड लाइफ के लिए आज दिन बहुत विशेष है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। वहीं गृहिणियों को जरा अपनी सेहत का आज ध्यान में रखना है। उपाय के तौर पर आज के दिन हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें। शुभ अंक है आपके लिए 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा बीतेगा बुधवार का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो इसे फटाफट लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। मिलेंगे आपसे कल। नमस्कार।